बाकी सब तो ठीक है अतील, लेकिन नायला अभी तो तुम्हारे सर पे कुछ ज्यादा ही सवार है। तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं होता तुम्हारी बात बात पर नायला अभी का जिक्र होता है। मेरी बहन बहुत ख्याल रखती है मेरा। मुझे तो ऐसा लगता है वो मुझे मेरी माँ से ज्यादा चाहती है। मेरी कोई भी बात रद्द नहीं करती वो। तो क्या हुआ अगर मैं उनका जिक्र कर लेता हूँ? प्लीज अदील, दिस इज टू मच। माँ माँ होती है, बहन कभी भी माँ की जगह नहीं ले सकती। और मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कोई तुम्हारे मामलात में इतनी मदाखलत करे। अरे अभी तुम इनसे मिली नहीं हो ना, तभी तुम ऐसा कह रहे हो। एक दफा तुम उनसे मिलो, तुम्हारी राय बदल जाएगी। पता नहीं, अभी तक तो जितना भी सुना है बहुत ही अजीब लगा सब कुछ मुझे। यार क्या तुम अभी से इनसिक्योर होने लगी? यार हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम क्यों नेगेटिव हो रही हो? अपनी पसंद और मर्जी का ख्याल रखना ना नेगेटिव नहीं कहलाता, ये तुम बात समझ लो वरना। अरे वरना क्या यार, एक दफा शादी हो जाने दो, फिर उसके बाद तुम नायला आपी को और नायला आपी तुम्हें समझ लेंगी। मिलजुल कर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हारी सैलरी वगैरह तो तुम्हारे हाथ में रहती है ना, मतलब तुम उसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते हो ना। जाहिर सी बात है, इतनी महंगी शॉपिंग क्या मैं तुम्हें अपनी अम्मी से पैसे लेके करवाऊंगा? चलो शुक्र है अल्लाह का, सैलरी तो मेरे हाथ में आएगी ना, और ये जो आपकी शादी का मामला है ये तो शादी के बाद ही निपट लूंगी मैं। ओ हेलो, घर आ गया तुम्हारा? हाँ तुम अपना ख्याल रखना। हाँ तुम भी। अल्लाह हाफिज़।